तो गाइस खुशी की बात है हम लोगों के लिए, पबजी मोबाइल इंडिया या फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वापस से आने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरे हाथ दोनों हाथ खड़े करके बोलो यो। क्या बढ़िया था गुरु। और अब बात कर लेते हैं इसी नए गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में, जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, हो सकता है मई के। ना, ये सारी बातें आगे चल के करेंगे। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जब मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं तो आप उसे तुरंत देख पाओ। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ये एक नया नाम होने वाला है पबजी मोबाइल इंडिया गेम का, और इसकी जो वेबसाइट थी वो लाइव हो चुकी है, battlegroundsmobileindia.com आप देख सकते हो। इसके अलावा जो इसका चैनल था वहां पे भी नाम चेंज हो चुका है, पुरानी सारी वीडियोस वहां से साफ कर दी गई हैं, नई तरह से एक फ्रेश शुरुआत वहां पे की जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं फेसबुक पेज की, तो वो भी इसका लाइव कर दिया गया है battlegrounds mobile india के नाम से। और वही बात करते हैं इंस्टाग्राम की, यानी कि सोशल मीडिया प्रेजेंस और वेब प्रेजेंस इनका पूरी तरह से बन गया है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल खबर है। अब कुछ लोग आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस गेम का नाम क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि नाम तो सबसे ज्यादा पबजी का चलता हुआ रहा था, अगर लोगों को पबजी के नाम से वापस देखने को मिलता तो और ज्यादा अच्छा रहता। अब देखो अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज को बैन करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को बैन करती है, उसके नाम को बैन करती है। अब ये गेम जो है ये वो वाला पबजी है तो सही, लेकिन टेक्निकली वो वाला पबजी नहीं है और नाम भी इसका वो नहीं है, तो वो तो अभी भी बैन ही रहेगा, लेकिन एक नया गेम आपको देखने को मिलेगा। वो जब बैन हुआ था तो उसका नाम था पबजी मोबाइल, और उसके साथ में आपको लिविक मैप वगैरह का कुछ पीछे नाम देखने को मिलता था, तो वो चीज वहां पे बैन की गई थी। फिर उसके बाद में नाम बताया गया पबजी मोबाइल इंडिया, तो इसके साथ में भी कुछ इश्यूज थे कि आखिर ये है तो अभी भी पबजी मोबाइल ही, तो इन्होंने क्या किया, नाम को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसका पबजी मोबाइल इंडिया को हटा दिया जो कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड हुआ करता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और ये एक बिल्कुल नया गेम है जिसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है, टेंसेंट का कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से इस गेम को बैन किया गया था पिछले साल 2020 में। और रीजन क्या था कि इंडिया के यूजर्स का जो डेटा था वो सारा चाइना में स्टोर किया जा रहा था, जो कि जरूरत पड़ने पर चाइनीज गवर्नमेंट उस कंपनी से ले सकती थी और इंडिया के खिलाफ शायद उसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी। और अब जो क्राफ्टन इसका डेटा रखेगी पूरी तरह से, पहली बात तो इस गेम को क्राफ्टन ही बना रहा है जो कि इंडिया के लिए होगा, टेंसेंट का कोई लेना देना नहीं जैसे पहले मैंने बताया था, और अब जो इसका डेटा होगा वो पूरी तरह से इंडिया में ही रखा जाएगा, इंडियन सर्वर्स में ही स्टोर किया जाएगा, एंड इंडिया से ही इस गेम को ऑपरेट किया जाएगा, एंड जिसके लिए इंडिया में इसकी कंपनी रजिस्टर तो बहुत पहले हो चुकी थी, और उसमें अब लोगों की अलग अलग पोस्ट पे हायरिंग भी की जा रही है, अलग अलग जॉब भी निकाली जा रही है। और जैसा मैंने आपको बताया ये गेम पूरी तरह से इंडियन स्पेसिफिक होने वाला है, तो यहां पे इंडियन कल्चर का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। सबसे पहली बात करते हैं इस गेम के लोगो की, तो यहां पे आपको ट्री कलर देखने को मिलेगा, ट्री कलर मतलब हरा पेड़ वाला रंग नहीं, ट्री कलर मतलब तीन कलर, पहला आपको देखने को मिलेगा ऑरेंज यानी कि सैफरन कलर, दूसरा कलर आपको वहां पे देखने को मिलेगा व्हाइट, और तीसरा कलर वहां पे आपको देखने का मिलेगा ग्रीन, जो कि इंडियन फ्लैग का कलर है। तो यहां पे सबसे पहले तो इन्होंने देशभक्ति को जगा दिया है लोगों के मन में, जो कि काफी अच्छी चीज है, मुझे भी अच्छा लगा। और पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी इस गेम से कि इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हैं, या फिर ये बच्चों की मेंटलिटी पे गलत असर डालता है, या फिर कुछ केसेस में बच्चे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, कई बार 10-10, 12-12 लाख करते थे, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अब की बार गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आए हैं, यहाँ पे पेरेंशियल कंट्रोल गेम के अंदर मिलेगा कि पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं बच्चा गेम को कितनी देर और कितने समय तक खेल सकता है, मतलब दोनों एक ही बातें हो गई लेकिन हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा 16 या 18 साल से नीचे का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैसा गेम में आने वाला है, तो बच्चा 3 घंटे ही गेम को खेल सकेगा, उससे ऊपर है तो शायद 4 या 5 घंटे की लिमिट वहां पे वो लोग रखेंगे। एंड इसके अलावा परचेज लिमिट भी रखी जाएगी कि अगर आप गेम के अंदर कुछ खरीदते हो तो एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा पैसा आप गेम के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, जो कि काफी अच्छी चीज अब की बार देखने को मिलेगी। और जो वो मैं आपको बता रहा था ना कि प्लेयर नंगा कूदता है, मतलब एक अंडरवेयर पहन के, अब चाहे लड़का हो लड़की, वो चीज थोड़ी गलत मानी जाती है इंडियन कल्चर के हिसाब से, तो हो सकता है अब की बार प्लेयर धोती कुर्ता कुर्ता पजामा, या लड़कियां तो अगर साड़ी सूट सलवार ऐसी कुछ चीजें, मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें अब की बार बाय डिफॉल्ट प्लेयर को मिलेंगी। एंड ये गेम उस गेम से थोड़ा सा अलग इस बेस पे भी हो सकता है। और इस गेम में बताया जा रहा है पहले वाला पबजी अगर आप लोगों ने देखा हो या अभी भी कोई लोग यूज कर रहे हो तो 5 GB के आसपास का है। इस गेम का सुनने में आ रहा था 700 MB का होगा, वेल एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना होगा, जब गेम आ जाएगा तभी पता चलेगा। गेम छोटा होगा, इसके अंदर हो सकता है वो पुराने वाले जो मैप्स थे वो हमें देखने को मिले, लेकिन
सारे मैप्स शुरुआत में देखने को ना मिले, कुछ गिने चुने कपड़े होंगे और कुछ गिने चुने मैप होंगे, कुछ गिने चुने फीचर्स ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीजें ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी इस चीज की काफी ज्यादा है, क्योंकि गेम जब पहली बार बनकर के आएगा पूरी तरह से एक नया गेम है, जो कि सिर्फ पबजी के जैसा दिखने का दावा कर रहा है पबजी वालों की तरफ से, लेकिन गेम तो आखिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इंडिया के लिए पूरा गेम अलग से बनाया गया है, तो हो सकता है गेम उस लेवल का परफॉर्म भी ना करे, धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव करके बनाया, जैसे फौजी कप को याद हो जब आया था, लेकिन पबजी वालों के पास में एक्सपीरियंस है। और एक मेन चीज और आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, पबजी मोबाइल इंडिया या फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इस गेम की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से यहां पे क्या हो गया है, अलग अलग वेबसाइट है उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि हमारे पास में गेम की एपीके आ गई है, आप डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो। और जब से इस गेम को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये दावा कर रही है कि हमारे पास में गेम आ चुका है, आप इसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं। यूजर जा रहे हैं वहां से डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं और भाई स्कैमर्स का शिकार हो रहे हैं। स्कैमर्स के बारे में मैं हर बार बता चुका हूँ, ये लोग सिर्फ आपके फोन के आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपका कोई फायदा उसमें नहीं होने वाला। जब भी गेम ऑफिशियली आ जाएगा आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और बाई चांस प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि पबजी मोबाइल इंडिया जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया.com होने वाली है, वहां से एपीके डाउनलोड करनी होगी एंड वहां जाकर के आप उसको डाउनलोड करने के बाद में खेल पाओगे अपने फोन पे। तो किसी ऐरी गैरी वेबसाइट से डाउनलोड मत करना, वायरस हो सकता है, मेलवेयर हो सकता है, आपके फोन को खतरा हो सकता है। और अब ये चीज बहुत ज्यादा चल गई है, जब भी कोई नई चीज आती है ना इंडिया में लोगों का उसका इंतजार होता है, तो उससे पहले ये स्पैमर्स एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पे लोगों का हर बार पोपट बनाने के लिए, उनके पैसे अपने पास ऐंठने के लिए और फालतू की चीजें करने के लिए। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्त परिवार फैमिली सब पबजी लवर्स के साथ में, और चैनल पर नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब। मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के पूछ सकते हो। VGM Shorts नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वहां पे हम शॉर्ट वीडियोस में सारी अपडेट शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।